पर पढ़ते जरूर रहना भाई, है ना, ये खास करके 3-4 महीने है ही खराब तुम्हारे लिए। तो देखो, पहला कल एक शब्द समझाया था, प्रशासन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, और उस शब्द में मैंने कहा था कि शाब्दिक अर्थ होता है सेवा करना, टू सर्व। तो किसी भी प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य होता है अपनी जनता की क्या करना, सेवा। इसीलिए इस शब्द को क्या काम लिया गया है, मैंने पहले ही कहा था ना, नौकरशाही, ठीक है, जो नौकरों का प्रमुख होगा वो होगा प्रशासन का प्रमुख जो होता है, क्लियर है। जिस तरीके से शासन किया जाता है, जिस तरीके से शासन किया जाता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रशासन, क्लियर है, एडमिनिस्ट्रेशन कह देते हैं। दो शब्द होते हैं पॉलिटिकल साइंस में, एक गवर्नेंस होता है, दूसरा गवर्नमेंट होता है, एक शासन होती है और दूसरी सरकार होती है, क्लियर है। शासन बड़ा भाग होता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णयों को लागू करने की प्रक्रिया, उन निर्णयों को उचित अनुचित निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शासन, क्लियर है। और कोई भी शासन जो होता है किसी सरकार के द्वारा संचालित होता है, तो सरकार छोटा शब्द होता है, याद रखना, शासन बड़ा शब्द होता है राजनीतिक विज्ञान में। ऐसे ही इस शासन को जब व्यवहारिक रूप देने की बात आती है तो उसे देने का काम कौन करता है, प्रशासन। आप अखबार में पढ़ते हो ना कि सीकर प्रशासन ने प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए, ठीक है, सीकर प्रशासन ने व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया, या कोई यात्रा, कोई मंत्री यहाँ की यात्रा पर आएगा तो कहेंगे कि प्रशासन पूरी तैयारी में है। इसका अर्थ क्या है कि जो शासन करने वाले लोग हैं वो एक सुनियोजित तरीके से संसाधनों का उत्तम प्रयोग करने के लिए तैयार है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को सुनिश्चित करने के लिए क्या है, तैयार। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रशासन। अब मैंने एक शब्द काम में लिया था बहुत पहले भी, कि जितने भी लोग चयनित होते हैं सब एक ही परीक्षा पास कर कर आते हैं, एक ही सिलेबस जान कर आते हैं, पर सारे कलेक्टर एक जैसे होते हैं कि अलग अलग, इसका मूल कारण है प्रशासन, क्लियर है। क्योंकि लूथर गुली के शब्दों में कहूं तो संसाधनों का बेहतर प्रयोग करना तो है ही है, पर इसके साथ साथ क्या है कि एक ह्यूमन आर्ट होती है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, जो नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो, जो चीजों को समायोजित करने की क्षमता रखता हो, उसी को हम बेहतर प्रशासक कहेंगे, क्लियर है। हमने जैसे चर्चा की कि काम हो सकता है मनमोहन सिंह ने ज्यादा सोचा हो, बेहतर सोचा हो, समय के साथ सोचा हो, पर प्रभाव सदैव किसका रहेगा, मोदी का। और जब छवि बिगड़ रही है तो उस दौरान इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ले आए, ये भी एक बेहतर प्रशासन है, याद रखना, क्लियर है। क्योंकि आप खुद सोचो, जिसने भारत को भूखमरी सूचकांक में 102वीं रैंक दी है, वो ईमानदारी से दी है कि बढ़ती छवि को खराब करने के लिए दी है, बढ़ती छवि को खराब करने के लिए, क्लियर है। कारण है कि जब इन सारे दुनिया में, अभी आप क्या उदाहरण दिया गया है कि पाकिस्तान आगे है, बांग्लादेश आगे है, नेपाल आगे है, तो ज्यादा भूखे लोग कहां होंगे, परिवार में 4 लोग हों कि 400, तो जाहिर सी बात है इधर ही होंगे। और उस भूखमरी सूचकांक का दुनिया क्या अर्थ समझ रही है कि इतने प्रतिशत, दुनिया में 117 राष्ट्रों में से 101 राष्ट्र ऐसे हैं जहां लोग खुशहाली से जिंदगी जीते हैं, रोज सुबह शाम खाना खाते हैं, भारत ऐसा है जहां लोग भूखमरी से सोते हैं ना। अब उसका मापदंड सुना होगा कि खाने को आधार नहीं रखा गया है, जो बच्चों का स्वास्थ्य होता है उसको आधार रखा गया है, तो वो केवल खाने के आधार पर नहीं होगा, याद रखना, उसके लिए हो सकता है स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव हो, हो सकता है ये, और अभी हमारे यहां पढ़ोगे कि बाल मृत्यु दर में लड़की की मृत्यु दर सबसे अधिक होती है, तो वो तो बहुत से कारण है, केवल ये नहीं कि भूखमरी कारण है, पर उसका वास्तविक मापदंड नहीं है। वो वही समझ पाएगा जो या तो अर्थशास्त्री होगा या समाजशास्त्री होगा या पढ़ा लिखा होगा। पर आप और मुझे तो जब ये कहा गया कि 117 में से 102वीं नंबर पर सबसे भूखे लोग कहां रहते हैं, भारत में, तब महसूस होने लगा अंतरात्मा में कि दुनिया की भूखमरी यहीं पर है, ठीक है, लोग खाना खाकर नहीं सोते, तो इनके पीछे बहुत मापदंड होते हैं, याद रखना, ठीक है। इन सारे समीकरणों को ही फिर हमें समझने की क्या है, आवश्यकता। तो एक बेहतर प्रशासन की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि आर्ट ऑफ ह्यूमन बींग, कि एक व्यक्ति की खुद की कला होती है कि वो शासन को किस तरीके से सुनिश्चित करे, जितने संसाधन दिए गए हैं उनका उत्तम प्रयोग करने की कोई परिभाषा को सीमित नहीं कर सकता है। तुम्हारी भाषा में समझा ही सकता हूं कि कल को तुम किसी जिले के कलेक्टर बनते हो,
तो तुम्हारे नीचे जितने कर्मचारी हैं वो हर जिले के कलेक्टर को मिले हैं कि तुम्हें ही मिले हैं? सबको मिले हैं। अब डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि किसी जिले का कलेक्टर क्या करेगा, उन संसाधनों का बेहतर प्रयोग करेगा, अपने नेतृत्व की वजह से, अपने डर की वजह से, अपनी कुशलता की वजह से, अपनी विशेषज्ञता की वजह से। क्लियर है? जैसे कुछ दिनों पहले पढ़ा होगा कि राजस्थान के जिले का नाम मुझे नहीं पता कि वहां की जो आईएएस है वो डॉक्टर थी, ठीक है? तो वहां जब डॉक्टर की समस्या हुई तो उस महिला आईएएस ने क्या किया, खुद शाम को जब वो फ्री हो जाती है तो चिकित्सा की सेवाएं देना शुरू करती है। तो वो कुशल प्रबंधन है। इसलिए प्रबंधन है, गौर करना, कि जो कामचोर डॉक्टर होगा वो भी जब इस घटना को देखेगा तो उसमें मनोबल बढ़ता है कि कम से कम अब मुझे इतना काम करने की क्या है आवश्यकता। तो उस जिले की जो हेल्थ की आउटपुट होगी वो हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रशासन। क्लियर है? ठीक है, लिखो। लिखवाया है क्या? दो दृष्टिकोण लिखवा दिए थे, ठीक है ना? एक तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण बताया था और दूसरा प्रबंध की दृष्टिकोण, ठीक है? दोनों में फर्क होता है ना, और इसी फर्क को तुम्हें समझना है। मैंने पहले कहा था व्यक्तिगत दृष्टिकोण का मतलब होता तुम क्या सोचते हो। जैसे सपोज करो कि तुमने अभी कलेक्टर बन गए तो तुम्हारे अंदर एक भावुकता होगी, भावुकता होगी। तुम महिला हो तो महिलाओं के प्रति होगी ना, तुम गरीब हो तो गरीब के प्रति होगी, तुम किसान के लड़के हो तो किसान के प्रति होगी। वो व्यक्तिगत है। वो क्या है? व्यक्तिगत। पर जब हम लोग प्रबंधन के नजरिए से देखें तब क्या करना होता है, उस भावुकता को हमें अलग रखना पड़ता है और जो व्यवहारिकता में संभव है उस पर काम करने की क्या होती है आवश्यकता। फिर उसको हम लोग क्या कह देते हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण जो है, या प्रबंधकीय दृष्टिकोण। एक नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रबंधन। जो नए है वो यहां से लिख लेना भाई। पहला लिखना मीनिंग, अर्थ। देखो, प्रबंधन का तात्पर्य होता है कि जितने भी निर्धारित लक्ष्य होते हैं उन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कुशलता होती है, जो विशेषज्ञता होती है, उस चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रबंधन। ठीक है? प्रशासन करने का मतलब है उस सेवा को करना है, बात को समझना। ठीक है? तो सपोज करो कि मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो प्रशासन है। ठीक है? क्योंकि ये तो मेरी जिम्मेदारी है। तो प्रशासन करने का मतलब है सेवा देना। ठीक है? उस सेवा को बेहतर देने के लिए क्या करना पड़ता है, बेहतर प्रबंधन। यानी प्रशासन जरूरी नहीं है कि जहां प्रशासन होगा वहां बेहतर होगा। ऐसा सुनते हो ना कि अखबार में लिखा आता है कि सीकर प्रशासन की विफलता हुई, है ना? तो इसका अर्थ क्या है कि जहां प्रशासन हो जरूरी नहीं है कि वहां हमेशा क्या हो, बेहतर प्रबंधन हो। प्रशासन तो एक प्रक्रिया है सेवा देने की, पर उस प्रक्रिया के निर्धारित लक्ष्य जो है उन लक्ष्यों का उच्चतम प्रयोग करने के लिए या उनको सही दिशा में देने के लिए, कि जब व्यक्ति अपनी कुशलता और विशेषज्ञता का प्रयोग करता है और इन लक्ष्यों को सही तरीके से प्राप्त कर लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रबंधन। यानी अपनी सारी शक्ति को झोंक देना उस सेवा देने के लिए, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रबंधन। तो प्रशासन बड़ा होगा कि प्रबंधन? प्रशासन, कोई शंका नहीं। सेवा देना बड़ा है कि फिर बेहतर सेवा देना? पहला काम तो सेवा देना ही, ठीक है? बेहतर और गलत तो उसका भाग होगा, ठीक है? तो प्रशासन बड़ा शब्द होता है लोक प्रशासन में, और प्रबंधन उस प्रशासन का क्या होता है, भाग होता है। ठीक है? कि किसी का प्रबंधन बहुत अच्छा होगा तो संसाधनों का उत्तम प्रयोग कर वो सेवा को बेहतर तरीके से देगा, और किसी का प्रबंधन खराब होगा तो प्रशासन भी फिर उसका विफल होना क्या हो जाएगा, शुरू। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, पर सवाल इतना है कि प्रशासन बड़ा भाग है, प्रबंधन प्रशासन के अंदर ही क्या हो जाता है, शामिल। एक संकट और है अभी दिमाग में, एक चीज चल रही होगी कि लगभग सेम सा है ना,
ऐसा आप निरंतर चलेगा इस पूरी सब्जेक्ट में, ठीक है, क्योंकि सैद्धांतिक पक्ष है, कौन सा पक्ष है, सैद्धांतिक, तो ये सब मिला जुला खेल होता है, ठीक है। और केवल इसी में नहीं, तो सुबह सुबह जब मैं पूछ रहा था ना कि प्रबंधन क्यों लिखवा दिया, तो एक अलग सब्जेक्ट और पढ़नी है, उसका नाम क्या है, प्रबंधन, वहां भी यही सब दोबारा पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क होता है, बाकी चीजें बिल्कुल क्या है, सेम। यहां बस इतना समझना कि यहां जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए पढ़ रहे हो, और जब वहां पढ़ाऊंगा तो सपोज करो किसी कोचिंग का प्रबंधन करना हो, किसी होटल का करना हो, सब कुछ शामिल होगा उसके अंदर, पर वहां भी सिलेबस में उधर से तो केवल कौन सा होगा, प्रशासन वाला ही, क्लियर है। तो प्रशासन क्या हो गया है, एक सेवा देने की प्रक्रिया जिसमें संसाधनों का उत्तम प्रयोग किया जा सके, और प्रबंधन क्या हो गया है, उन संसाधनों को इस तरीके से निर्धारित करना, अपनी विशेषज्ञता और कुशलता का प्रयोग करना, ताकि निर्धारित लक्ष्यों को हम क्या कर सके, प्राप्त कर सके, क्लियर है। एक शब्द और सुना होगा शासन प्रणाली में, गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस सुना है, सुशासन और कुशासन किस पर निर्भर करता है, प्रबंधन पर, गौर करना यही सब। फिर थोड़ा अभी तो क्या है, पीटी में सिलेबस नहीं है, वरना पहले पूछ लेते थे ना, कि जब इसी यही पहलू है, ठीक है, कि सुशासन कुशासन प्रशासन पर निर्भर नहीं करता है, वो निर्भर करता है प्रबंधन पर, कि प्रशासन का प्रबंधन कैसा है उस पर निर्भर करता है, कि कहीं गुड गवर्नेंस है कि बैड गवर्नेंस। हाँ, शासन हमेशा प्रशासन पर निर्भर करेगा, ठीक है, लेकिन कुशासन या जो आपका सुशासन होगा, गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस होगी, वो हमेशा किस पर निर्भर करेगी, मैनेजमेंट पर, कि अगर मेरा मैनेजमेंट अच्छा है तो फिर इस कोचिंग का शासन प्रणाली हमेशा क्या होगी, अच्छी होगी, क्लियर है। और यदि मेरा मैनेजमेंट खराब है तो फिर शासन जो है वो कुशासन में तब्दील होना क्या हो जाता है, शुरू, क्लियर है। लिखो, इसका तात्पर्य है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित व्यक्तिगत कुशलता, निर्धारित व्यक्तिगत कुशलता और उसकी विशेषज्ञता एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी मैनेजमेंट रिफर्स टू इंडिविजुअल स्किल एबिलिटी, इंडिविजुअल स्किल एबिलिटी, स्पेशलाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव द डिसाइडेड टारगेट्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, प्रशासन और प्रबंधन में अंतराल। इससे दोनों का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा ना, तो अच्छे से चीजों को सुनना और लिखना। पहला लिखना, प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है। एडमिनिस्ट्रेशन इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट, परंतु प्रबंधन प्रशासन के दायरे में आता है। But the management comes under the administration. पहला तो क्लियर है ना, कि प्रशासन बड़ी अवधारणा होती है, प्रबंधन सदैव किसका भाग होता है, प्रशासन का, ठीक है। दूसरा लिखना, प्रशासन का तात्पर्य है नीति निर्धारण करना,
प्रशासन का तात्पर्य है नीति निर्धारण करना. एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज. परंतु प्रबंधन का तात्पर्य है नीति क्रियावन करना या नीति को लागू करना. एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू द पॉलिसी फॉर्मुलेशन बट द मैनेजमेंट रिफर्स टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी. तो समझ में आया दोनों का फर्क क्या है. ठीक है, नीति बनाने का काम किसका होगा? प्रशासन का. और नीति को लागू करने का काम प्रबंधन का. ठीक है, इसीलिए फिर सुशासन और कुशासन इसी प्रकृति पर निर्भर करता है कि कोई बेहतर नीति बना दोगे उससे सुशासन आ जाएगा कि नहीं होगा. क्लियर है कि बेहतर नीति बनाने से नहीं होगा, उस नीति को लागू करने पर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो कोई अच्छी नीति बेहतर तरीके से लागू कर दोगे तो अच्छा प्रबंधन है, गुड गवर्नेंस हो जाएगी. क्लियर है, और अगर उसी नीति को गलत तरीके से लागू किया तो बैड गवर्नेंस हो जाएगी. इसलिए सुशासन हो या कुशासन, किसी भी सरकार की सफलता असफलता निर्भर करती है प्रबंधन पर, न कि प्रशासन पर. क्लियर है, नेक्स्ट लिखना. प्रशासन का तात्पर्य है संगठन का निर्माण करना. एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. परंतु प्रबंधन का तात्पर्य है संगठन का प्रयोग करना. बट मैनेजमेंट रिफर्स टू द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. प्रशासन का प्रमुख, जैसे हम लोग किसको कहते हैं कि जिले में जिला कलेक्टर होता है. ठीक है, तो उसका काम क्या है कि पूरे जिले की टीम को एकजुट करना. हम नहीं कहते प्रशासन की बैठक हुई ना, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सारा संसाधन एकजुट हुआ. तो प्रशासन का मतलब हो गया संगठन बनाना, और उस प्रशासन को जब हम प्रयोग में ले लेते हैं वो क्या हो जाता है प्रबंधन. अखबार में दो तरीके के नमूने मिलते हैं ना, एक से पूछते हैं कि भाई ये व्यक्ति तुम्हारे क्षेत्र में था ना, ये दो दिन से अनुपस्थित था, तो वो पूछता कौन है ये ना? एक तो ऐसा नमूना होता है ना, और एक वो होता है जो खुद पता कर लेता है कि वो अब्सेंट क्यों था, कहाँ था, उसको सस्पेंड कर दे ना. तो दोनों की प्रकृति में थोड़ा फर्क होगा. प्रशासन दोनों ही जगह है, लेकिन बस फर्क ये है कि एक जगह प्रबंधन यानी उस संगठन का सही प्रयोग हो रहा है, और दूसरी जगह उस संगठन का सही प्रयोग नहीं हो रहा है. क्लियर है, नेक्स्ट लिखना. प्रशासन निर्देशन से संबंधित है. जबकि प्रबंधन निर्देशन को लागू करने से संबंधित है. बट द मैनेजमेंट रिफर्स टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन
इंप्लीमेंटेशंस ऑफ डिसीजन। प्रशासन उच्च स्तरीय कार्य है, प्रशासन उच्च स्तरीय कार्य है, एडमिनिस्ट्रेशन इज हायर लेवल वर्क, जबकि प्रबंधन निम्न और मध्य स्तर का कार्य है, निम्न और मध्य स्तर का कार्य है। बट द मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द लोअर एंड मिडल एडमिनिस्ट्रेशन पीपल, लोअर एंड मिडल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन पीपल। निष्कर्ष के तौर पर, निष्कर्ष के तौर पर प्रशासन कार्यों को पूरा करने वाली एक व्यवस्था है। निष्कर्ष के तौर पर प्रशासन कार्यों को पूरा कराने वाली एक व्यवस्था है। संगठन, संगठन इसका ढांचा है। प्रशासन कार्यों को पूरा कराने वाली एक व्यवस्था है, संगठन इसका ढांचा है। एडमिनिस्ट्रेशन इज ए प्रोसेस टू गेट ऑल द वर्क डन, टू गेट ऑल द वर्क डन। एंड ऑर्गेनाइजेशन इज इट्स स्ट्रक्चर, एंड ऑर्गेनाइजेशन इज इट्स स्ट्रक्चर। और संगठन के माध्यम से कार्यों को पूरा कराने की प्रक्रिया, और संगठन के माध्यम से कार्यों को पूरा कराने की प्रक्रिया एवं कला, एवं कला प्रबंधन कहलाती है। एंड द आर्ट एंड एक्टिविटी, एंड द आर्ट एंड एक्टिविटी टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट द वर्क थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड टू बी, इज कंसीडर्ड टू बी एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, इज कंसीडर्ड टू बी मैनेजमेंट। नोट करके लिखना, आधुनिक विचारकों के अनुसार, आधुनिक विचारकों के अनुसार प्रबंधन और प्रशासन, प्रबंधन और प्रशासन एक दूसरे के पूरक हैं। एज पर मॉडर्न आइडियोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक बार पढ़ लो क्या लिखा है। अब भी दोनों का फर्क नहीं समझ में आए तो पूछना।
तीसरा पॉइंट क्या लिखवाया है? सिलेबस के आउटलाइन में तीसरा प्रकृति हो गया क्या? नेक्स्ट लिखो प्रबंधन की प्रकृति। कोई डाउट हो तो पूछो। समझ में आया दोनों का फर्क क्या होता है? प्रबंधन की प्रकृति। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो पांच नंबर वाले में और दस नंबर वाले में ना इसके आने की संभावना हो सकती है, ठीक है? ये गंगानगर किसी की याद आ रही हो तो बताओ मुझे। लैंगिक तौर पर सम्मान आदमी हो फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हो, और खोलू मुंह की रुक जाओगे। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है किसी भी प्रबंधन की प्रकृति कैसी होती है, ये समझना है ना। हम नहीं कहते इंसान की प्रकृति कैसी है, उसी तरीके से कि प्रबंधन की प्रकृति क्या होती है उस चीज को हमें समझने की क्या है आवश्यकता। पहला इंपॉर्टेंट काम तो क्या होता है कि कोई भी प्रबंधन जो होता है वो हमेशा लक्ष्य आधारित होना चाहिए, टारगेट बेस्ड। क्लियर है? बिना लक्ष्य आधारित कोई भी प्रबंधन सफल नहीं होगा, ठीक है? किसी भी प्रबंधन की बात कर लो, प्रत्येक प्रबंधन जो होता है वो किस पर आधारित होता है? लक्ष्यों पर, ठीक है? चाहे वो स्कूल का मैनेजमेंट हो, चाहे कोचिंग का हो, चाहे होटल का हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, किसी का भी हो, हमेशा किस पर आधारित होता है? लक्ष्यों पर। और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का बेहतर प्रयोग करना, कम लागत में प्राप्त करना, इन सब चीजों को जब हम डिसाइड करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? मैनेजमेंट। क्लियर है? अब आप खुद सोचो कि कोई चीज ऐसी हो ना कि जैसे आपको एक संस्था ऐसी हो जहां पढ़ाने की जगह नोट्स हाथ में दे दिए जाएं, ठीक है, हर टॉपिक के, और नोट्स देने के बाद कहा जाए कि चलो ये सिलेबस पूरा हो गया, ठीक है? तो ये भी एक तरीके की सेवा ही है। क्या है? सेवा। इसका लक्ष्य भी तुम्हें कहीं ना कहीं उस लक्ष्य तक पहुंचाना ही है, बस फर्क इतना है कि संसाधनों का यहां कौन सा प्रयोग नहीं है, बेहतर प्रयोग नहीं है। पेच भी ज्यादा लग रहा है तो लागत इनकी कम होगी कि ज्यादा? ज्यादा होगी। और इसका लाभ हमेशा क्या मिलेगा? कम मिलेगा। इसलिए प्रबंधन का प्रमुख जो प्रकृति होती है कि कोई भी प्रबंधन किस पर आधारित होता है? लक्ष्यों पर। क्लियर है? और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का बेहतर प्रयोग हो, कम लागत लगे, यही हम क्या कहते हैं? बेहतर प्रबंधन। पर याद रखना कोई भी प्रबंधन लक्ष्यहीन होता है तब वो काम करने में सक्षम नहीं होता। आप खुद सोचो, आप सुबह यहां रोज आओ बिना किसी उद्देश्य के, ठीक है, आप आकर बैठते हो चले जाते हो, है ना, तो वो हम लोग क्या कह देंगे कि कभी बेहतर प्रबंधन नहीं होगा। किसी भी संस्था में देखो, कोई सरकार किसी कर्मचारी को बुलाती है, बुलाकर उसको कहे काम होगा तो फोन कर देंगे वरना आराम करता रहे, ऐसा संभव है? या उसके काम पहले से निर्धारित होते हैं कि ये करने हैं, है ना, और वो एक खत्म हो जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा खत्म हो जाता है तो तीसरा आता है। ये एक दो तीन आना क्या है? लक्ष्य आना। क्लियर है? तो कोई भी प्रबंधन हमेशा किस पर आधारित होता है? लक्ष्यों पर। समझ में आई यहां तक? दूसरा देखो, प्रबंधन अपने आप में कला होती है। अपने आप में क्या होती है? कला। क्लियर है? अब कला का अर्थ क्या है? ये डिपेंड करेगा व्यक्ति की विशेषज्ञता पर, स्पेशलाइजेशन पर, ठीक है? तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि पढ़ाने एक आएंगे कि अनेक आएंगे, कुछ बहुत अच्छे लगेंगे, कुछ बहुत कम अच्छे लगेंगे, कुछ सामान्य लगेंगे। क्लियर है? तो देखो जितने भी पढ़ाने आए, पहला गौर करना उनको पढ़ाना आता है कि नहीं, उनके पास ज्ञान है कि नहीं है। बस उस ज्ञान को आप तक पहुंचाने का माध्यम, वो कला क्या हो जाती है? अलग अलग।
तो कोई भी प्रबंधन जो है हर संस्था में होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हर जगह होगा, बस उस कुछ जगह इस प्रबंधन को करने की जो कला होती है वो बेहतर होती है। बेहतर क्या होती है कि आपसी समझ से लोग उसका क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर है? अब आप सोचो आधुनिक युग के लड़के को पीट पीट कर पढ़ाया जाए तुम जैसे को, संभव है ना? प्रैक्टिकली सोचकर देखो, नहीं संभव है। और गुरुजी रोज कहे सवाल पूछूंगा, जो नहीं बताएगा 500 का नोट लूंगा, है ना? तो दो ही तरीके के बच्चे होंगे, या तो पढ़कर आना शुरू, है ना, जो नहीं बताएगा उससे 500 लूंगा, तो गुरुजी को तो फायदा है सवाल पूछने में, है ना? तो गुरुजी भी कभी अपने उद्देश्य से भटकेंगे कि बने रहेंगे, है ना? और 500 का नोट जेब से लगना शुरू हो हर सवाल पर, तो ये तो केबीसी चल रहा है इधर, समझ में आई कहानी? तो तुम्हारे अंदर दो तरीके के लोग होंगे, पहले या तो पढ़ना शुरू, है ना, और या फिर गेट के बाहर जाना शुरू, है ना? पर कोई भी उद्देश्यहीन बैठेगा कि नहीं बैठेगा, नहीं होगा। क्लियर है? तो इसको भी हम लोग क्या कह देते हैं, आठ अलग अलग तरीके के इस उपकरणों को अपनाना व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि जब आप प्रशासक बनोगे, हो सकता है डरा धमका कर काम करवाना चाहते हो सकता है आप अपने विचारों से उन्हें प्रभावित कर काम कराना चाहते हो, तो सब जगह एक जैसी कला नहीं चलती है। आप सोचो कभी देखो, हम नहीं देखते कि आदमी बहुत ज्यादा अच्छा बोलने वाला होता है फिर भी उसके सामने चीजें नहीं मैनेज हो पाती हैं, ठीक है? या जब कुछ विभागों की बात करते हैं, जैसे कभी रोडवेज देखोगे ना, तो उसमें महिला अधिकारी की नियुक्ति कम करते हैं ना, पुलिस में देखोगे कम करते हैं, कारण ऐसा माना जाता है कि इनकी प्रकृति ऐसी है कि विचारों से अधिक डांट या डर की क्या होती है, आवश्यकता, ठीक है? तो आप सोचो कि ये सब पूरा वीडियो सब देखते हो ना, फेसबुक पर वायरल होते रहते हैं छोटे मोटी कहानियां कि जहां महिला अधिकारी होगी वहां लोग हल्के में लेते हैं कि ठीक है कि चलता रहेगा काम या जो भी समीकरण है ना। तो कहीं कला का अर्थ क्या है कि जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति अपने आप में परिवर्तन कर ले, ठीक है? प्यार से समझा रहा हूं, समझ गए तो ठीक है ना, तो ना समझो तो रोज फिर गुलाब का फूल देने से अच्छा है हाथ में डंडा हो ना, और फिर वो देना शुरू करूं जिससे क्या हो कि नया समीकरण बदलना क्या हो जाए शुरू। प्रबंधन करना ही है, सबके लिए डंडा चाहिए कि कुछ के लिए गुलाब का फूल भी चाहिए, इसको हम क्या कह देते हैं, व्यक्तिगत कला, ठीक है? कि निर्भर करती है कि परिस्थिति के अनुसार बेहतर प्रबंधन कैसे करवाया जा सकता है। तो प्रबंधन हमेशा कला पर निर्भर करती है, डिग्री पर निर्भर नहीं करेगा। आप खुद सोचो MBA मैनेजमेंट में किया है, इसका मतलब तो फिर वो सब कुछ करने में एक्सपर्ट होना चाहिए, पर कोई भी MBA धारी याद रखना केवल डिग्री के दम पर काम करना चाहे संभव नहीं है। अगर वो होटल इंडस्ट्री में काम करेगा तो उसका मैनेजमेंट बिल्कुल क्या होगा, अलग। वो कोचिंग इंडस्ट्री में काम करेगा तो मैनेजमेंट बिल्कुल क्या होगा, अलग। ऐसे में वो किताबी ज्ञान तो केवल कला विकसित करने के काम आ सकता है, उस कला का व्यवहारिक रूप तो परिस्थितियों के अनुसार ही लेना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मैनेजमेंट है वो अपने आप में एक कला है। व्यक्ति के अंदर दक्षता होनी चाहिए, विशेषज्ञता होनी चाहिए, परिस्थितियों के अनुसार संसाधनों का बेहतर प्रयोग करवाने की क्षमता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? कोई शंका यहां तक हो तो बोलो। एक तीसरी कहानी कही जाती है, प्रबंधन जो होता है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, यूनिवर्सल प्रोसेस। यानी आदमी जब सुबह शुरू होता है वहां से लेकर शाम जब तक शांत होता है यानी सोता है तब तक भी प्रबंधन चाहिए होता है। क्लियर है? यानी आपको भी प्रबंधन की आवश्यकता है, आपके पिताजी को भी प्रबंधन की आवश्यकता है, किसी संस्था को भी आवश्यकता है, किसी परिवार को भी आवश्यकता है, किसी सरकार को भी आवश्यकता है। ये तो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है जो सभी जगह चाहिए होती है। आप खुद सोचो कि आप सुबह उठो ना बिना किसी प्लानिंग के, कभी कोई भी तुम में से ऐसा नहीं होगा जो क्लास में आता होगा बिना प्लानिंग के। बिना प्लानिंग का अर्थ क्या है, जब निकलते हो तो दिमाग में दो चार चीजें आती हैं कि नोटबुक ली कि नहीं ली, जिसकी क्लास है उसकी ली कि नहीं ली, ठीक है, न्यूज़पेपर लिया कि नहीं लिया, और वो मोबाइल छोड़ दिया कि यहीं है साथ में, है ना? तो सारा समीकरण देखना पड़ता है। कोई ऐसा है जो मुंह उठाया आ गया हो ना, यहाँ आने के बाद याद आए कि मोबाइल वहां रह गया हो, मेरी गारंटी है जिंदगी खराब हो जाए ना। बहुत कुछ मन में आना शुरू होता है, पापा के हाथ लग गया होगा, है ना, मम्मी के हाथ लग गया होगा। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोसेस। कि परिवार हो, समाज हो, ठीक है, संस्था हो या कोई सरकार हो, ये सब जगह काम आता है। बिना प्रबंधन के किसी भी चीज का संचालन संभव नहीं है। व्यक्तिगत जीवन से लेकर छोटी से छोटी चीज व्यक्तिगत जीवन है समाज में, वहां से लेकर उस समाज को नियंत्रित करने के लिए जो सरकार चलती है, सब जगह किसकी आवश्यकता होती है, प्रशासन की। क्लियर है यहां तक?
विशेषज्ञ कहते हैं कि ये अपने आप में एक विज्ञान भी होती है, कला तो है ही है ना, लेकिन कला के साथ क्या है, विज्ञान भी है, साइंस भी है। ठीक है, अब साइंस और कला दोनों में फर्क क्या हो गया, वो जो तुम समझ रहे हो वाला खेल नहीं ना। साइंस का मतलब हो गया आधुनिक तकनीकी का क्या करना, प्रयोग करना। मुझ जैसा आदमी क्या करे कि अपने मैनेजमेंट को देखने के लिए राजस्थान के साथ साथ जितनी भी 28 शाखाएं हैं सब जगह जाऊं और 28 दिन अलग अलग जाकर सब जगह चेकिंग करूं, ठीक है, कि कहां मैनेजमेंट बेहतर चल रहा है और कहां नहीं, या कहां एजुकेशन सही तरीके से दी जा रही है कहां नहीं, प्रैक्टिकली संभव है कि नहीं, नहीं संभव है, क्लियर है। हाँ, मेरे अंदर बहुत अच्छी कला होगी, मैं बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर लेता हूं, लेकिन 28 दिन में 30 दिन में 28 जगह जाना संभव है कि नहीं, और अगर चला भी गया तो इससे तो मेरी उत्पादकता प्रभावित होना क्या होगी शुरू, और ये 28 जगह कभी डर कायम होगा कि नहीं। सरकार में सबसे बड़ी यही कमी होती है, याद रखना कि वो केवल कला पर निर्भर करते हैं, विज्ञान पर निर्भर नहीं करते। कि कलेक्टर अपनी ऑफिस से बैठकर दौरे करता है जगह जगह, तो कभी देखना सबसे अधिक अनुपस्थितों की दर कहां मिलेगी, स्कूलों में मिलती है, हॉस्पिटल में मिलती है। कारण कभी सुना हो कलेक्ट्रेट के अंदर इतने अनुपस्थित मिल गए हो, कोर्ट के अंदर इतने मिल गए हो, है ना, पुलिस के स्टेशन के अंदर इतने मिल गए हो, कभी नहीं, याद रखना। कहां मिलेंगे, स्कूल हॉस्पिटल में, कि संख्या कम है कि जिले में ज्यादा, अधिकारी 5 है तो जानता है कि किस्मत में कभी नंबर आया तो कह देंगे आज ही एब्सेंट था, ठीक है, जैसा तुम कहते हो कि इस वाले टेस्ट में एब्सेंट था, बाकी कभी नहीं, है ना। तो जब सारे समीकरणों की बात करते हो तो यहां साइंस होनी चाहिए। साइंस क्या कहती है कि आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करो, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करो, या एक तरीके से मैं कहूं तो टेस्ट, जिनको हम कहते हैं बार बार परीक्षण करना, ठीक है, कुछ नए आयामों को अपनाना, यही काम क्या करे कोई आधुनिक तकनीकी के माध्यम से बाध्य कर दे कि जितने भी हॉस्पिटल हैं सब 10:05 पर अपनी अटेंडेंस फोटो के साथ भेजेंगे, है ना। तो आप सोचो ये समीकरण फिर धीरे धीरे विकसित, हाँ हो सकता है इसमें भी कुछ कमियां निकले, पर कहीं ना कहीं उस कला से तो बेहतर निखरना क्या होगा, शुरू होगा। इसलिए कहा गया है कि ये अपने आप में क्या है, विज्ञान। नए आयामों का प्रयोग करना पड़ता है, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करना पड़ता है, नए उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है, ताकि बेहतर तरीके से हम प्रबंधन को सुनिश्चित करने में क्या हो जाए, सक्षम। क्लियर।